अधिकृत तौर पे तो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने 3,545 संक्रमित होने का दावा किया है और जबकि लिस्ट जारी में तकरीबन 617 के करीब संक्रमित मिले हैं। अब इन दावों को सच माने या हकीकत जो है उसे सच माने, आम आदमी कंफ्यूज है कि आखिर बीकानेर में कोरोना संक्रमित मरीज इतने बढ़ क्यों रहे हैं। इसका बिल्कुल सीधा सा कारण है कि जो होम आइसोलेशन की प्रक्रिया है इसमें सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा ढिलाई और लापरवाही बरती जा रही है। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, वे लोग घरों से धड़ल्ले से बाहर आ रहे हैं, दुकानों पर जा रहे हैं, बाजारों में जा रहे हैं और यही कारण भीड़ भाड़ में जाने के कारण से लोगों को और ज्यादा वे संक्रमित कर रहे हैं। अगर घरों में आइसोलेशन वाले मरीजों को ध्यान नहीं दिया गया, इन पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया तो ये रफ्तार ऐसे ही बढ़ती रहेगी। आज बीकानेर में 345 के करीब अधिकृत संक्रमित होने की जो जानकारी है वो मिली है, लेकिन अनधिकृत जो आंकड़े हैं वो तकरीबन 617 के करीब बता रहे हैं। अब बीकानेर वालों को देखना है कि ये कोरोना का संक्रमण आखिर में किस हद तक और आगे फैलाएंगे या फिर इसे रोक पाएंगे, ये उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बीकानेर पहुंचे। बीकानेर पहुंचने के साथ ही जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, उनके आगमन के साथ ही यहां पर शहर भाजपा के अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह और देहात के अध्यक्ष तारचंद सारस्वत सहित भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वागत के संपादित श्री बीकानेर कच्चे आम व्यापार संघ के उपाध्यक्ष ओम जी धारणिया से मेरे रामचंद्र जी धारणिया से मेरा अनुरोध है कि वो बिहारी लाठी को माला पहनाकर स्वागत करें। पांचों प्रधान भवन आकर स्वागत करें, ये परंपरा है। बीकानेर पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कृषि बिलों की जो जानकारी है वह व्यापारियों और किसानों को दी। उन्होंने इस बिल की गुणवत्ता के बारे में बताया, किसानों की आत्मनिर्भरता और उनकी आय के दोगुना होने की बात की। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों में जो केंद्र सरकार थी उन्होंने केवल स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और किसानों के हित की बातें की, लेकिन काम उन्होंने कम किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रांतिकारी कदम उठाया और किसानों के हित के लिए ये बिल है। उन्होंने इस बिल के जो लाभ है और इसके फायदे जो वो व्यापारियों को समझाए। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने आज व्यापारियों के साथ में संवाद कायम किया। लेकिन हर एक ऐसे दुर्भिक्ष के समय, अकाल के समय और कोई कठिन परिस्थिति के समय हम अपने घर परिवार में बुजुर्गों से जाकर के निश्चित रूप से अगर चर्चा करें तो हमको इस बात की जानकारी मिलेगी कि गांव में जो जागीरदार थे, जो ठाकुर साहब थे, वो लोग पूरे गांव की उस दुर्भिक्ष के समय या कठिन परिस्थिति के समय पूरे गांव की सार समान चिंता उनको भोजन मिले इसकी करते थे। जब आजादी आई उसके बाद में देश में सामान्य पुण्य से जो नहर आई उस क्षेत्र को छोड़ दें, बाकी पूरे क्षेत्र में जिस तरह की परिस्थिति थी
और उस परिस्थिति के नाते कि हर साल लगभग साल में 10 साल में 8 साल 9 साल अकाल पड़ता था, लेकिन हर एक ऐसे दुर्भिक्ष के समय, अकाल के समय और कोई कठिन परिस्थिति के समय हम अपने घर परिवार में बुजुर्गों से जाकर के निश्चित रूप से अगर चर्चा करें तो हमको इस बात की जानकारी मिलेगी कि गांव में जो जागीरदार थे, जो ठाकुर साहब थे, वो लोग पूरे गांव की उस दुर्भिक्ष के समय या कठिन परिस्थिति के समय पूरे गांव की सार समान चिंता उनको भोजन मिले इसकी करते थे। हमने यहाँ पहुंचे गजेंद्र सिंह शेखावत से की बातचीत। कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझ करके कन्विंस नहीं होना चाहते, जो यदि कोई सोया हुआ मित्र उसको जगाना बहुत आसान है, लेकिन जो जानबूझ करके आंखें बंद करके पड़ा हो, किसी विद्वेश के पीछे पड़ा हो, उसको कोई भी नहीं जगा सकता। सर, लगातार बयानबाजी आ रही है, अब एक बयान जो है कांग्रेस की ओर से आ रहे हैं, पुलिस के लोग जो है, मीडिया के लोग, हाथरस के जो पुजारी हैं, सपोर्टर के, देखिए राजस्थान की कानून व्यवस्था जिस तरह से चरमराई है और राजस्थान में पिछले 1.5 साल में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ा है, अपराधी बेकॉफ हुए हैं, बेलगाम हुए हैं, ये राजस्थान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान के इतिहास में ये जो कालखंड है, ये काले अध्याय के रूप में रहे। आपने प्रायोजित सवालों की बात सब जानते हैं। मैंने कल भी कहा था कि राजनीतिक संरक्षण में कुछ प्रदेशों में भ्रांति फैला करके अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए, अपनी राजनीतिक जमीन को बचाए रखने के लिए इस तरह के प्रयास हो रहे हैं, वही लोग सब जगह इस तरह का प्रयास। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल आप देख रहे हैं छोटे से देखना। ओ खाओ खिलाओ, रिश्ते बनाओ, रिश्ते बनाओ, चाहे मीठा या नमकीन खिलाओ, अरे राजभोग या कोई मिठाई, सोन पापड़ी क्या बात है भाई, अरे भुजिया पापड़ी या चटपटी, स्वाद लो नमकीन का, बीका राम जान मल है स्वाद बीकानेर का, स्वाद बीकानेर का। हमारा यही है जतन, रहे स्वस्थ तन स्वस्थ मन, पिए जो अमृत मंथन, स्वस्थ हृदय स्वस्थ पाचन, स्वस्थ काया स्वस्थ श्वसन। मोहनजी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट का 80 वर्षों का अनुभव, हार्ट ब्लॉकेज कम करे और रक्तचाप नियंत्रित करे, अमृत मंथन, अमृत मंथन। मोहनजी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट कंपनी, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया बीकानेर, कैलाश प्रोविजन स्टोर, कोट गेट बीकानेर, हेल्पलाइन नंबर 9251231230, विजिट www.mohanjiherbals.com। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। बीकानेर के बीवीएम अस्पताल के मर्दाना विंग के बाहर बालचंद गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और मोहन सिंह वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में सफाई अभियान चलाया गया। हालांकि इन दिनों कोरोना कोविड के चलते जहां लोग अस्पताल जाने से कतरा रहे हैं, ऐसे में इस ट्रस्ट के द्वारा यहां पर की गई सफाई को लेकर के और लोग उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर के बीकानेर के इस पीबीएम अस्पताल के बाहर सफाई की जो है वो अत्यंत आवश्यकता थी। हालांकि अस्पताल के अंदर भी उतनी ही आवश्यकता है, लेकिन बाहर भी इस सफाई की व्यवस्था को लेकर के और लोगों में चर्चा जारी है। कुल मिलाकर के इस ट्रस्ट के द्वारा इस सफाई व्यवस्था में कई युवा लगे जिन्होंने सुबह पहुंच करके और इस सफाई को मुकम्मल किया। पीवीएम अस्पताल के बाहर जो रैन बसेरा है, इस रैन बसेरे की शुरुआत भी जो है वो होने वाली है, क्योंकि सर्दी जो है वो दस्तक दे रही है, रात को हल्की ठंड पड़ रही है, ऐसे में उन लोगों के लिए रैन बसेरे की व्यवस्था है जिन लोगों के सर छिपाने की जगह नहीं है और जो लोग पूरी रात जो है वह खुले आसमान के नीचे बिताते हैं, ऐसे लोग अब रैन बसेरे में आएंगे। यहाँ पर 50 चारपाई की और अन्य जो सुविधाएं हैं उसकी व्यवस्था मोहन सिंह वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा की गई है। यहाँ पर महापौर सुशीला कंवर भी पहुंची। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सुशीला कंवर ने भी पहुंच करके सफाई व्यवस्था का न केवल जायजा लिया बल्कि उन्होंने इसको प्रोत्साहित भी किया। दिखाते हैं आपको इसके संभावित दृश्य।
कांग्रेस सोसाइटी के वेद व्यास से हमने इस बाबत की बात की। सोसाइटी और बालचंद्र राठी के संयुक्त तत्वावधान में संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल पीबीएम के मर्दाना विभाग में सफाई अभियान रखा गया था, जिसमें सुबह 8 बजे लगभग 125 कार्यकर्ताओं की टोली यहाँ पर पहुँच गई और यहाँ के ठेकेदार ने भी पूरा सहयोग दिया, निगम का भी पूरा सहयोग था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले क्या हालात थे और अब के क्या हालात हैं। पूर्ण रूप से सफाई व्यवस्था की गई और उसके बाद में मर्दाना विभाग के ठीक सामने एक रैन बसेरा बना हुआ है, उसको मोहन सिंह वेलफेयर सोसाइटी और बालचंद्र राठी मेमोरियल ट्रस्ट ने गोद लिया है, क्योंकि आने वाले दिन सर्दियों के हैं, मरीजों के साथ में आने वाले परिजनों को दिक्कत ना हो, अंदर ही सोसाइटी की तरफ से 50 बेड और 50 हृदय की व्यवस्था की गई। डोंगर अपने सैनिक बजरंग गोदारा के स्मृति में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया। इस दौड़ प्रतियोगिता में तकरीबन 150 युवाओं ने हिस्सा लिया और शानदार जो है वो अपने स्प्रिट का प्रदर्शन किया। हालांकि इसमें विजेता रहने वाले खिलाड़ियों को मेडल पहना करके और उन्हें प्रोत्साहित किया गया, जबकि उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। दिखाते हैं आपको इस दौड़ प्रतियोगिता की कुछ संभावित अंश। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को 11 अक्टूबर अमिताभ बच्चन का जन्मदिन होता है, अपना 78वां जन्म दिवस मना रहे हैं। पिछले दिनों में कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद में भी अपने फैंस का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि आप सबकी दुआएं हैं जो बिल्कुल स्वस्थ हुए हैं। बीकानेर में बिग बी फैंस क्लब है, उन्होंने अपने पसंदीदा नायक अमिताभ बच्चन के जन्मदिन को यादगार बनाया, उसके चित्र के समक्ष केक काट करके और उनकी लंबी आयु की कामना उन्होंने की। आइए हम आपको दिखाते हैं बिग बी फैंस क्लब के द्वारा कि किस तरीके से सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का 78वां जन्म दिवस मनाया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए, नमस्कार। आपका एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है, तो लें राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपनी प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर, आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं।